जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम सभी को पता है कि प्रेजेंटली फार्मा और हेल्थ केयर कंपनियां फोकस में हैं, तो उसी क्षेत्र से एक कंपनी आपके सामने पेश करूंगा केस स्टडी के रूप में, और कंपनी का नाम है शेल्बी लिमिटेड। चलिए जल्दी से देखते हैं फंडामेंटल्स कैसे हैं। मार्केट कैप अराउंड 1245 करोड़, स्टॉक की पी 80 और 52 वीक लो 59 और 52 वीक हाई 135। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर्स चेक करेंगे और नंबर्स में हमें देखने मिल रहा है ये, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को चेक करें पिछले 3-4 क्वार्टर का, सो मार्च 2020 में था 3, फिर -5 हो गया, फिर -5 होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा उछाल 29 एंड फिर से नंबर ऊपर गया 31। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2 था, फिर -13 हो गया, वही नंबर पॉजिटिव हो गया 22, फिर और बड़ा और थोड़ा छोटा सा उछाल 23। नेट प्रॉफिट -17 था, -9 थोड़ा सा इंप्रूवमेंट, नंबर पॉजिटिव हुआ 24 एंड फिर थोड़ी सी गिरावट हल्की 17। EPS को अगर चेक करें तो -1.6 था, फिर -0.8 थोड़ा इंप्रूवमेंट, फिर EPS पॉजिटिव हुआ 2.27 एंड फिर EPS में थोड़ी गिरावट देखने मिल रही है 1.56 से अभी, बट EPS अभी पॉजिटिव है। बैलेंस शीट को चेक करेंगे तो कर्ज कितना है कंपनी के ऊपर, कर्ज है कंपनी के ऊपर अराउंड 40 करोड़ का, जी हाँ। सो मार्केट कैप है अराउंड 1245 करोड़ और कर्ज है लगभग 40 करोड़, जो काफ़ी कम है, और एसेट्स है लगभग 950 करोड़ के। सो कर्ज की कोई भी टेंशन नहीं है यहाँ पे कंपनी के ऊपर। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर्स के पास बड़ा सा लगभग 79.45% का हिस्सा, FII 0.84, DII 0, पब्लिक 18.78 और अदर्स के पास 0.93। सो प्रमोटर्स का जो भरोसा है स्टॉक में आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग के माध्यम से देखने मिल रहा है। अब चार्ट पैटर्न्स पे आए हैं और देखना शुरू करेंगे कि चार्ट पैटर्न्स में स्टॉक किन चार्ट पैटर्न्स को फॉलो कर रहा है, किस में से जा चुका है एंड लेवल्स आने वाले दिनों में इंपॉर्टेंट कौन से हैं। तो शुरुआत करेंगे बेसिक ट्रेंड लाइन्स को ड्रॉ करने से, और ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करूँगा ये जो सारे हाई पॉइंट्स उसको मैं कनेक्ट कर दूंगा ये, और दूसरी जो ट्रेंड लाइन है वो मैं ड्रॉ करूँगा यहाँ से। सो हमें देखने क्या मिल रहा है, स्टॉक जो है एक ब्रॉडिंग रेंज में जो है, रेंज को जो है ब्रॉड करते करते ऊपर की तरफ निकल रहा है धीरे धीरे। अब चार्ट पैटर्न्स को ड्रॉ करना शुरू करूँ मैं तो देखने क्या मिल रहा है, देखने मिल रहा है ये स्टॉक ने लगा दिया यहाँ पर एक कर्व लगा दिया, स्टॉक ऊपर चला गया। और आगे जाएंगे, स्टॉक ने क्या लगा दिया, स्टॉक ने लगा दिया बना दिया एक यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया। और आगे स्टॉक ने यहाँ पर फिर से एक लगा दिया कर्व। और आगे जाएंगे तो देखने क्या मिल रहा है, स्टॉक ने लगा दिया और एक ट्रायंगल, और वो ट्रायंगल है यहाँ पे। अब और आगे जाएंगे तो देखने मिलता है स्टॉक में जो है एक बेसिक ट्रेंड लाइन को मैं ड्रॉ करूँगा, फॉलिंग ट्रेंड लाइन ऐसे, एंड हमें देखने क्या मिल रहा है, स्टॉक का हो गया ब्रेकआउट और स्टॉक चला गया सीधा ऊपर। अब पिछले दिनों को अगर चेक करें तो स्टॉक किस तरह से काम कर रहा था, ये जो ट्रेंड लाइन है उसका कलर मैं बदल देता हूँ ताकि हमें कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। पिछले दिनों को अगर चेक करें ये ट्रेंड लाइन में गिर रहा था स्टॉक, बट उसका ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक चला गया ऊपर। ये ट्रेंड लाइन को मैं कर देता हूँ छोटा, ठीक है। अब पिछले दिनों स्टॉक जो है एक अपने अलग ट्रेंड में चल रहा था, अब देख सकते हैं यहाँ से स्टॉक जो है ऊपर की तरफ धीरे धीरे निकल रहा था, बट यहाँ पर हो गया है स्टॉक का ब्रेकडाउन। स्टॉक का आप देख सकते हो गया है क्या ब्रेकडाउन, और कब हुआ है, 23 अप्रैल, जी हाँ, आज से 2 सेशन पहले यानी कि 23 अप्रैल को हो गया है ब्रेकडाउन। अब स्टॉक जो है किस लेवल पे काम कर रहा है, और वो लेवल है 114, और 114 इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी आपको बता दूँ, और बताने के लिए मैं ये टूल यूज़ करूँ। आप देख सकते हैं स्टॉक ने 114 पे कितनी बार सपोर्ट लिया है, आप देख लीजिए, यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया है 114, माफ़ कीजिएगा, सपोर्ट ने रेजिस्ट किया है, फिर से 114 पे यहाँ पर स्टॉक ने रेजिस्ट किया है, देख लीजिए ये, यहाँ पर भी देख लीजिए ये, ओके 3, एंड फाइनली अभी जो है स्टॉक इस लेवल के आसपास फिर से आ गया है। सो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है स्टॉक जो है अभी तक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के आसपास काम कर रहा है, एंड स्टॉक यहाँ से बाउंस होना चाहिए। जो रेजिस्टेंस के लेवल होते हैं वो रेजिस्टेंस के साथ साथ जब स्टॉक नीचे आता है उस लेवल के आसपास से फिर सपोर्ट का रोल भी प्ले करते हैं। सो ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल रोल प्ले करना चाहिए, 1114, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 114, इसको स्टॉक जो है तोड़ना नहीं चाहिए 114 को, 114 अगर इसको स्टॉक तोड़ देता है सो नीचे की तरफ स्टॉक कहाँ पर जा सकता है, और एंड उसे आप स्टॉप लॉस का भी लेवल मान सकते हो अगर आप इस स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो तो, एंड द लेवल इज दिस स्टॉप लॉस 107 रुपये, 107 का स्टॉप लॉस लगा के आप कर सकते हो ट्रेड इसमें।
अब ऊपर की तरफ अगर निकलता है 1114 से 1114 के यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलता है तो स्टॉक जा सकता है कौन सी रेंज में, और वो रेंज है ये 1, 2, 3। इस रेंज के आसपास, इस लेवल के आसपास स्टॉक जाके रुक सकता है, इस लेवल के आसपास जा सकता है। एंड अगर ये तो हो गया ट्रेडिंग की बात, अगर लंबी अवधि का नज़रिया है तो भी आप इस स्टॉक में बने रह सकते हो, क्योंकि हमने नंबर्स में चेक किया है कि कैसे Q-on-Q बेसिस पे कंपनी धीरे धीरे तरीके से बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रही है, और प्रमोटर्स का जो भरोसा है वो प्रमोटर होल्डिंग में हमें देखने मिला है, एंड दैट इज़ अराउंड 79-80% स्टॉक सिर्फ प्रमोटर्स होल्ड कर रहे हैं शेल्बी लिमिटेड में। सो ये था कुछ बेसिक और सरल भाषा में एनालिसिस शेल्बी लिमिटेड के बारे में। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।